नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आनंद दुबे आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाई ए के दुबे पे। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सब अपनी तैयारी में एकजुट होकर लगे होंगे और आप सब सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे होंगे। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज मैंने जिस वजह से ये वीडियो बनाना सोचा है वो मैं आपको शेयर करता हूं। आज मैं दोस्तों ये बताऊंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, कांस्टेबल एग्जाम के लिए, जिससे कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, किस किस बुक में क्या क्या मिल सकता है आपको और कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए। लगभग प्यारे दोस्तों पहले मार्क्स से ही स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है 150 प्रश्न आने आपके सामने और 150 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न दो नंबर का है, मतलब 300 अंक होंगे। जो अधिकतम अंक होंगे वो 300 अंक होंगे। अब प्यारे दोस्तों मेरा ये मानना है, सब कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मतलब मैं जनरल की बात कर रहा हूं। अब आपको मालूम है जनरल से कभी जाएंगी सारी कैटेगरी के मार्क्स। तो मैं ये मान के चलता हूं प्यारे दोस्तों, अगर पेपर मॉडरेट आता है, मॉडरेट मतलब ना इजी ना टफ, तो मेरा मानना यह है प्यारे दोस्तों कि 300 में से 225 तक आपका हो जाना चाहिए। अगर पेपर टफ आता है तो प्यारे दोस्तों आपका 300 में से 205 या 200 तक काम हो जाना चाहिए। और अगर पेपर सरल आता है, सिंपल आता है, तो 300 में से प्यारे दोस्तों आपका 240 तक काम हो जाना चाहिए। तो आपको अब सोच लेना है कि आपको कैसी तैयारी करनी है। मतलब हर हाल में आपके नंबर, चाहे पेपर कैसा भी आए, आपके नंबर 205 210 से ऊपर ही हो, उसके बाद आपको देखना है कि 225 और 240 से ऊपर निकल रहे हैं। अगर आप 240 से ऊपर ही मार दोगे तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो जाओगे, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो सीधा रनिंग की प्रैक्टिस करो प्यारे दोस्तों। चलिए दूसरी बात यह है कि आज से आपका समय रह गया है प्यारे दोस्तों एग्जाम के लिए, लगभग इक्का दुक्का दिन ऊपर नीचे कर देंगे आप तो लगभग 48 डेज। तो प्यारे दोस्तों आप सबको मालूम है कैसे तैयारी करनी है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। मान लीजिए मैं होता तो मैं तो ये सोचता कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैथ्स को कम टाइम देता, मेरा रीजनिंग सही है तो मैं रीजनिंग को कम टाइम देता, मेरा जीएस अच्छा है नहीं है तो मैं जीएस को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता। इसलिए आपको मालूम है प्यारे दोस्तों कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा खराब है। जो खराब है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, जो अच्छा है उसको भी टाइम दीजिए, लेकिन उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए टाइम, मतलब उसका टाइम दूसरे सब्जेक्ट पे रख दीजिए। तो उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों बेस्ट बुक्स की, आपको कौन कौन सी बुक से कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट आने हैं, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। प्यारे दोस्तों हिंदी का मतलब तो हिंदी होता है हिंदी में, मैथ का मतलब गणित होता है हिंदी में, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति और जीके जीएस मतलब सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आपको हिंदी में अरिहंत नाम की बुक से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये मान लीजिए लगभग आपके पेपर का 75-80% इस बुक के बेस पर आएगा, और ज्यादा भी आ सकता है। मैंने भी पेपर नहीं बताया बनाया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि और ज्यादा भी आ सकता है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए दोस्तों आरएस अग्रवाल बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए, या एसडी यादव बेस्ट बुक रहेगी। इन दोनों के अलावा भी आप ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपने समय अनुसार चलना है। मेरे हिसाब से दोनों बुक इतने समय में पूरी हो सकती है, अगर आपने पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो। अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं बेटा, फिर तो मैं ये कहूंगा आपके लिए भर्ती निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ाई की है, चाहे कुछ ही समय की हो, आपको सिलेबस मालूम है, तरीके मालूम है, टेक्निक्स मालूम है, तो बहुत सही आपका निकल सकता है। और मैं उसी को बता रहा हूँ ये चीज, जो बिल्कुल बिगनर है मैं तो कहूंगा बिल्कुल मेरी वीडियो मत देखना, लेकिन जो थोड़ा बहुत पहले रह चुका है कंपटीशन में आया, उसको टाइम हो गया, वो इस चीज को बिल्कुल देखना। रीजनिंग के लिए प्यारे दोस्तों अरिहंत नाम की एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की रीजनिंग, या तो वो ले लीजिए, या प्यारे दोस्तों केपी सिंह ले लीजिए, केपी सिंह की जो बुक आती है वो ले लीजिए। ये दोनों बुक ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ज्यादा मोटी भी नहीं है, पतली पतली बुक से आराम से हो जाएंगे, बल्कि सभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। जीके जीएस के लिए प्यारे दोस्तों सबसे बेस्ट है लूसेंट की बुक, या तो आप ये ले लीजिए। इतना लेके इतना है कि आप जीएस को लेके संतुष्ट रहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, नहीं, बहुत ज्यादा नंबर आएंगे ऐसा भी नहीं कहूँ, ठीक ठाक रहेंगे, आप खुश रहेंगे, अपने नंबरों से संतुष्ट रहेंगे। अगर आपको तैयारी आगे बरकरार करनी है, आगे बढ़ना है, तो प्यारे दोस्तों खान सर के, जो पटना वाले खान सर हैं, खान सर के जो क्लास नोट्स आते हैं, खान सर के जो नोट्स आते हैं वो आपको ले लेने हैं। अच्छी तैयारी करनी है आपको। अगर ये बोर्ड चमक रहा हो तो आपको मैं बता दूं, खान सर पटना वाले हैं, जो उनके क्लास नोट्स अगर आपको मिल जाए, या उनकी पतली पतली बुक्स हैं, 9-10 बुक्स हैं, वो सब ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आपको मिलेगी स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, हमारा एक और चैनल है एके पाठशाला के नाम से, उसमें मैं आपको हिंदी और जीएस की सारी रणनीति बता रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, उसको भी कृपया करके आप जोड़ लें अपने में तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। स्टैटिक जीके मैं उसमें ही कराऊंगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों इस चैनल में मैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग या इनसे संबंधित कुछ और चीजें कराऊंगा, और आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कैसे आपको क्या करना है,
इतना करने के बाद दोस्तों, और इसके साथ साथ आपको करंट का भी देखते हुए चलना है। करंट के लिए कुछ खास मत करना, कुमार गौरव सर के जो एक एक महीने के मैराथन निकलते हैं आप उसको ले सकते हैं, कोई ऐसा बहुत हाई फाई करंट नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। इन सब के बाद प्यारे दोस्तों यूथ पब्लिकेशन का एक सेट आता है, यूथ का प्रैक्टिस सेट। तो मेरे भाइयों जब आपको यूथ का प्रैक्टिस सेट भी इसके बाद एक लगाना है, ये कब लगाना है, ये लगाना है लगभग एग्जाम से 25 डेज पहले। इसमें ये मैं आपको इसीलिए बताऊं, देखो भाइयों सेट तो बहुत आता है, ऐसा नहीं कि यूथ वाले ने मेरे को कुछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, सेट तो बहुत आते हैं, चक्सु के भी आते हैं, अग्रवाल के भी आते हैं, दुनिया भर के सेट्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्यारे दोस्तों अच्छी बात पता है क्या है, यूथ में गलतियां कम है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने पर्सनली यूथ को लगाया इसमें प्यारे दोस्तों गलतियां बहुत ही कम है। नहीं तो मैंने देखा है बहुत से ऐसे सेट है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक ही प्रैक्टिस सेट में चार चार गलतियां आ गई, यूथ की पूरी बुक में चार गलती नहीं मिलेंगी आपको, मैंने पर्सनली इसको देखा है। चलिए अब आपके काम की बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, आपके पास समय है 48 दिन, आपको कैसे पढ़ाई करनी है ये स्ट्रेटेजी आपको सबसे अच्छे से मालूम होनी चाहिए। बाकी बुक्स के लिए मैंने हेल्प जितनी मैं कर सकता था मैं कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अब प्यारे दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग से मेरे भाइयों 95 प्लस क्वेश्चन आने हैं, ये मान के चलिए 95 प्लस क्वेश्चन का मतलब है 190 नंबर का आपका सिर्फ हिंदी और रीजनिंग है। तो मेरे भाइयों इसमें आप ऐसा टारगेट बना के चलिए कि मुझे 175-180 तो लानी है, बाकी 10-5 अगर आपके मैथ में सही हो जाए, अगर किसी का मैथ वीक है अच्छा है तो कोई बात नहीं, 18 में से 15 सही हो जाए, क्योंकि मैथ के जो है क्वेश्चंस कम रहे हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग, पिछले साल के अगर मैं बताऊं तो मैथ के साथ 18 ही क्वेश्चन रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें पूरा पूरा आएगा, हो सकता है गवर्नमेंट बराबर बराबर कर दे, हो सकता है रीजनिंग का थोड़ा वेटेज बढ़ा दे, क्योंकि पिछली बार बच्चों रीजनिंग में 55 क्वेश्चन थे, मैं पिछली बार के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पिछली बार हिंदी में 40 समथिंग क्वेश्चन थे पिछली बार जो लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन अब कुछ नहीं पता ना, हो सकता है बराबर बराबर रख दे वो, ये भी हो सकता है। ठीक है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो हिंदी और रीजनिंग से आपको 95 क्वेश्चन मिलेंगे, 95 क्वेश्चन यानी 190 नंबर, और 190 में से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 180-175 से ज्यादा का, तभी आपका काम बनेगा। तो मेरे भाइयों इतने नंबर इतने क्वेश्चनों को सही करने के लिए सबसे बेस्ट बुक आपके सामने ये है, इनसे खूब पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, बाकी मैं भी अच्छी अच्छी टेक्निक से ट्रिक्स ले आऊंगा जिससे आपको एग्जाम्स में समय कम लगे, उन टेक्निक उन क्वेश्चनों को करने में मैं ऐसी टेक्निक लाऊंगा, वो तो मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपके लिए डेली ऐसा कुछ कर रहा होता। बाकी मैथ्स बाय एके दुबे चैनल आपके साथ है, पूरी फैमिली आपके साथ है मैथ्स बाय एके दुबे की, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टीचरों को रख सकूं ताकि आपके लिए काफी फायदा हो सके। और प्लीज दोस्तों इसी के साथ अब मैं इस चीज को विराम देना चाहूंगा और मैं आपसे ये बोलूंगा दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू प्यारे दोस्तों।